गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? चलिए, तो जैसा पता है कि एग्जाम जो है वो अब आने वाले हैं, हर तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो एक उसमें से ही है NTU UGC नेट का एग्जाम, वो भी जल्दी आने वाला है। और आपके ग्रेजुएशन में भी एक टॉपिक है, दैट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MBA BBA चाहे कोई भी हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो लेट अस सी व्हाट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है ये? वैसे तो देखा जाए तो इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है नेगोशिएशन के लिए, है ना। ये बाइपार्टाइट होगी, ध्यान रखिएगा, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक तरफ होता है आपके एम्प्लॉयर और एक तरफ होते हैं आपके एम्प्लॉयज, है ना। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जब कोई नेगोशिएशन होता है, दैट कम्स अंडर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वेजेस के ऊपर हो सकता है, कोई ले ऑफ, प्रमोशन, जॉब फंक्शन, वर्किंग कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में अगर कभी भी किसी को कोई डिस्कशन करना है, है ना, कोई डिस्कशन करना है, दोनों के बीच में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू से सॉर्ट आउट करने की पहले कोशिश करते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें नेगोशिएशन होता है, एक तरफ होते हैं वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी तरफ होते हैं एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, आपस में मिलते हैं और मिलकर फिर वो एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो दैट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो पार्टीज इसमें इंपॉर्टेंट है पहली चीज, और दो पार्टीज में एक एम्प्लॉयर की और एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए। आपका मैटर कोई भी हो सकता है इसमें जो कवर किया जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में अभी आपको पता चला नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग, एक प्रॉपर लाइक प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ये आपके एक तरफ इसके पॉइंट जो वर्कर्स रखना चाहता है और एक तरफ जो मैनेजमेंट रखना चाहता है, इन दोनों के पॉइंट प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं है कि आपने कैसे भी कर लिया, इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग इसे चलाया जाता है। और ये जो इंटरप्रिटेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये आपके रिटर्न फॉर्मेट्स में होंगे, है ना, जो कि दोनों के थ्रू दिए जाएंगे, तो वो रिटर्न फॉर्मेट्स में होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन विद द ओपन माइंड, लाइक एक तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको अपने पक्ष के बारे में ना सोचते हुए ओवरऑल पक्षों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो सही डिमांड कर रहे हैं या नहीं डिमांड कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ओपन माइंड से होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड यूनियन जो है वो यहाँ पर जो मौजूद है, उसको ओपन माइंड से होना जरूरी है, है ना। सिर्फ एक ही के प्रस्पेक्टिव को नहीं, ओवरऑल प्रस्पेक्टिव को सोचकर चलना जरूरी होता है। सो ये कुछ पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये एक ग्रुप एक्शन होता है, जैसा आपने देखा ही अभी, कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पर चलती ही रहती है, बाइपार्टाइज, दो पार्टीज इसमें मौजूद होती है, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयज, इट इज अ प्रोसेस, ये जैसा आपने देखा ही अभी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क, यहाँ पर आपको एक डेमोक्रेसी मिलती है, मतलब आपको अपनी बात रखने का हक मिलता है, इसलिए इसको करवाया जाता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो आप फ्लेक्सिबल होती है, समय के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा यहाँ बताया भी है, इट इज अ फ्लेक्सिबल मूवेबल, ये फिक्स्ड नहीं होती है, आप इसको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज अन आर्ट, जैसे बार्गेनिंग में होता है ना कि लाइक हम दो लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग के टाइम पर जिसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है वो वहां पर क्या लेता है ना, बेनिफिट ले लेता है। सेम वही सिचुएशन है कि यहाँ पर भी एक आर्ट है कि हाउ यू कैन कन्विंस अदर्स, कैसे आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, उसका ये आर्ट है, ठीक है। तो दे आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव एंड इंटरक्टिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग, दे आर दी बेसिक फोर टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग जो आपको पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है ये बेसिकली इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर काम करती है, विन एंड लॉस। यहाँ पर जो दोनों पार्टीज होती है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो चाहती है कि लाइक अगर मैं ही सही हूँ, मेरे ही पॉइंट माने जाने चाहिए, दूसरे के नहीं माने जाने चाहिए। तो इस तरह का जो सिनेरियो वहां पर क्रिएट होता है, दैट इज द विन लॉस सिचुएशन। सेकेंड होता है कोऑपरेटिव, यहाँ पर विन विन सिचुएशन आएगी, यानी कि दोनों की दोनों पार्टीज एक दूसरे की रजामंदी से काम करना पसंद करते हैं कि ठीक है तुम्हारी आधी बात मेरी आधी बात, तो दैट इज द विन विन सिचुएशन। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या होता है, ये ज्यादातर तब होता है, ये मैनेजमेंट करती है बार्गेनिंग उस केस में जब प्रॉफिट के लिए जो बोनस और इंसेंटिव मांगा जाता है ना, जब वर्कर्स बोनस और इंसेंटिव की डिमांड करते हैं, उस टाइम पर मैनेजमेंट यहाँ पर बार्गेनिंग करती है फॉर द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग कि तुम काम अच्छा करो, आई विल गिव यू दैट मच ऑफ अमाउंट, या जो भी अमाउंट उन्हें देना है, तो उस अमाउंट को लेकर यहाँ पर बार्गेनिंग होती है। तो दैट इज प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। एक होती है कंपोजिट बार्गेनिंग,
कंपोजिट का जैसे नाम समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक से ज्यादा, मतलब दो चीजें मिलकर या तीन चीजें मिलकर यहाँ पर उसके लिए बार्गेनिंग हो रही है ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसा कि वेजेस के साथ साथ दे आर डिमांडिंग दी गुड वर्किंग कंडीशन, है ना, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन भी चाहिए, इसकी वो डिमांड कर रहे हैं अगर, तो दैट कम्स अंडर दी कंपोजिट बार्गेनिंग कि एक के साथ एक चीज भी और एक्स्ट्रा हो रही है। तो ये यहाँ पर चाहे वो आर्स को लेकर हो या किसी अदर मैटर को लेकर भी हो सकता है, तो लेकिन दो चीजों में अगर बार्गेनिंग हो रही है तो दैट कम्स अंडर दी वो आपका किस में आ जाएगा, कंपोजिट बार्गेनिंग में। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंजक्टिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिव एंड कंपोजिट। इसके जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स बताए हैं इनसे आप इसको याद कर सकते हो। दिस इज अ विन लॉस कंडीशन, विन विन कंडीशन। मैनेजमेंट करता है कब, जब बोनस और इंसेंटिव की डिमांड होती है उस टाइम पर, और यहाँ पर वेजेस के साथ में अदर डिमांड भी जब की जाती है तो उस टाइम पर कंपोजिट बार्गेनिंग। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। मैं रेगुलर बेसिस पर अनअकैडमी पर क्लासेस लेती हूँ, लेट्स क्रैक एनटीयूजीसी नेट चैनल पर मेरी लाइव क्लासेस आती है। इफ यू वांट टू जॉइन मी, आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।